सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज के एक छोटा सा वीडियो लेके आप लोगों का सामने आए हैं। जो छोटे इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं खास करके उनके लिए है। सऊदी अरब से आपको छुट्टी जानी है, एग्जिट जाने है, तो आपका री एंट्री लगा नहीं लगा, कितना दिन का लगा, क्या कब से लगा, कब शुरू हो रहा है, कब ख़त्म हो रही है, ये चीज़ चेक करने के लिए आपको थोड़ा सा तकलीफ उठाना पड़ता है। आपके पास ऑफशोर आईडी है तो इजीली आपको पता चल जाता है, आप चेक कर सकते हो। अब जिसके पास ऑफशोर का आईडी नहीं है वो कैसे चेक करे, या ऑफशोर में भी चेक करना बहुत ही थोड़ा सा झंझट है, तो आपको एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा जिसमें आप चेक कर सकते हैं, चाहे आपके पास ऑफशोर हो या ना हो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिंपल से चेक कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा ऐप की सहारा लूंगा, जिस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहे तो डायरेक्ट सी इधर से आप उधर जा सकते हैं, या तो आप प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा इस ऐप का। तो चलिए हम लोग देखते हैं कितना इजी से, सिर्फ आपका अकाउंट नंबर डालो तो आपका निकल जाएगा जो आपका एग्जिट लगा नहीं लगा, री एंट्री लगा तो लगा, कितना दिन का लगा, कब शुरू हो रहा है, कब खत्म हो रही है, कितना दिन का मिला हुआ, ए टू जेड। तो चलिए हम लोग चलते हैं स्क्रीन पर, देखते हैं इसको इतना ईजी कैसे देख सकता है जो आप एक या दो मिनट के अंदर। ओके जी, चलिए। जी फिर हम लोग आ गया मोबाइल के स्क्रीन पर, जो आपको देखे इधर छोटा सा एक ऐप है, चेक अकामा ऑनलाइन, ये छोटा सा ऐप है, आप इसको प्ले स्टोर से भी मिल जाएगा। तो जैसे आप खोलोगे आपका सामने ऐसा एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, इसमें काफ़ी लैंग्वेज है, आप काफ़ी लैंग्वेज चॉइस कर सकते हैं। तो चले हम लोग एक इंग्लिश में चॉइस कर लेते हैं। जैसे हम इसको खोलेगा इसमें ऐड बहुत आता रहता है, कोई मुश्किल नहीं, एक दो ऐड आता है, तो इसको आप स्किप कर दीजिएगा। तो जैसे आप खोलोगे देखो आपके पास काफ़ी ये फ्यूचर खुल चुका है, इसमें बहुत सारा फ्यूचर है। तो आपको मैं जो आज जिस बारे में बात करने वाला है वो है एक्सिट रीएंट्री चेक। तो आप इसको इसी में क्लिक करेगा, ये देखे सामने नज़र आते हैं एक्सिट रीएंट्री चेक, अब इसमें क्लिक कर दूँ। जैसे आप इसको इन क्लिक करेगा तो आपके पास एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा। वो वेबसाइट में आने का बाद आपको मैं बताता हूँ कितना इजी से, बस वन या टू मिनट के अंदर, मुश्किल से टू मिनट लेगा। देखिए इधर आ गया, सिंपल सा एक मेथड आ गया। इस मेथड में आपको क्या ज़रूरत होगी, सबसे पहले आपके पास दो चॉइस है, अकामा नंबर या बीसा नंबर। आपके पास बीसा नंबर समझो नहीं है, आपको बीसा नंबर आपको पता नहीं, अकामा नंबर तो ईजी है सबको पता है, तो हम इसमें अकामा नंबर दे देंगे। तो चलिए हम इसको दे देते हैं अकामा नंबर, डाल दिया। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन में आपको इसमें से काफ़ी आपके पास चॉइस है, जैसे आप पासपोर्ट नंबर दे सकते हो, या अपना नाम दे सकते हो, या तो डेट ऑफ बर्थ देख सकते हो, या तो अकामा एक्सपायरी डेट देख सकते हो, या वीसा एक्सपायरी। तो सबसे इजी मेरे को लगता है डेट ऑफ बर्थ, मैं इसको क्लिक करता हूँ। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ को क्लिक करेंगे आपके पास इस तरफ की तीसरे नंबर पर ये ऑप्शन खुल जाएगा, तो आप इसमें से आपका डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर देनी है। तो चलिए हम लोग डाल दिया डेट ऑफ बर्थ। ये डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा नीचे जो लिखा हुआ है चेक, आप इसमें क्लिक कर दो। जैसे आप इसको चेक में क्लिक कर दोगे आप थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, देखिए आप इसमें आपका इधर ए टू जेड आ चुका है, आपका पासपोर्ट नंबर, आपके री एंट्री कितना दिन की लगी है, इधर से इस साइड में आपको लेफ्ट साइड में अरबी में डेट आ रही है, तो राइट साइड में आपको इंग्लिश में आ रहा होगा। देखिए इधर आपका वीसा कब इशू हुआ है, रिटर्न कब आनी है, आपका बाकी जो भी डिटेल्स है इसमें आ चुका है, ऊपर आपका वीसा का नंबर भी आ चुका है, पेपर का साथ मिला चुका है जी, आपका जो नाम है वो भी आ चुका है। तो आप इसमें से इजीली देख सकते हैं कैसे चेक कर सके, चाहे इसमें आप एग्जिट एंट्री चेक करो या छुट्टी का कोई भी, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो देख लीजिए इतना ईजी से आपको एक मिनट में ये चेक कर सकती है। तो चलिए आपका वीडियो याद है किया, चलते मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।